वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। मोदी जी को इसलिए पसंद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस लायक है, काम करते हैं, बहुत बहुत बड़ा चीज काम किए, जैसे कि 3 तलाक वाला किए, वैसे राम मंदिर बनवाए, वैसे बहुत सारा काम किए। मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। MBBS डॉक्टर हैं या झोला छाप है? जी जी झोला। मुद्दा यहाँ है कि अगर 5 किलो राशन देते हैं मोदी जी तो महंगाई देख लीजिए। अभी उस टाइम में बोला 500 या 400 रुपए गैस मिलेगा, अभी 1200-1300 रुपए गैस है। कि जो व्यक्ति 5 साल से एम्स मुद्दा लेके चल रहा है उनसे शिलान्यास नहीं हुआ तो वैसा सांसद कौन काम। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 की यात्रा दरभंगा लोकसभा पहुंच चुकी है और ये दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का विशनपुर चौक है। अगर आप कहें तो यहां से लहेरिया सराय सिर्फ 12 किलोमीटर है, लेकिन दरभंगा लोकसभा क्षेत्र शुरू हो चुका है और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये छोटी सी दुकान है जहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं, लेकिन लोकल लोग यहाँ बैठ रहे हैं, चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं और जाहिर तौर पर यहाँ के मुद्दे क्या हैं उसको लेकर के इनके बीच में जो है चर्चा की शुरुआत काफ़ी दिनों से शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब TV9 की यात्रा यहाँ पहुँची, हमने लोगों से बात किया तो लोगों ने कई तरह के मुद्दे गिनाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार यहाँ मुद्दा क्या है। लोकसभा चुनाव में लोग राष्ट्रीय मुद्दे को प्रमुखता दे रहे हैं या स्थानीय मुद्दे को प्रमुखता दे रहे हैं, प्रत्याशी को देख करके वोट कर रहे हैं या परिवर्तन चाहते हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आप पहले ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। रामनंदन साहनी। साहनी जी, आप क्या करते हैं? हम अपनी पेशा करते हैं, कुछ कुछ कमा लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ कमा लेते हैं। तो आप साहनी है जी, तो आपके नज़र में यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ पर तो कोई मुद्दा नहीं, यहाँ पर तो फेक वोटर है, मोदी सरकार आना चाहिए 3रा बार। अच्छा, मोदी सरकार को फिर से लाना है जी। पर ये बताइए, आप साहनी हैं, लोग कहता है बिहार में जाति पाति पर वोट होता है, तो आपके साहनी समाज के नेता तो मुकेश साहनी हैं जो कि लालू प्रसाद जी के साथ हैं। नहीं, हम लोग उनको नहीं मानते हैं नेता। अच्छा, आप उनको नहीं मानते हैं जी। तो आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी को इसलिए पसंद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस लायक है, काम करते हैं, बहुत बहुत बड़ा चीज़ काम किए, जैसे कि 3 तलाक वाला किए, वैसे राम मंदिर बनवाए, वैसे बहुत सारा काम किए और उनके पास बहुत सारी दुनिया उजला काम चल रहा है, गैस फन्ना चिन्ना अटर पटर गली गली में सड़क योजना चल रहा है। ये बताइए कि साहनी जी सबको हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खिलवाए थे कि जब तक साहनी को शेड्यूल कास्ट में नहीं डाला जाएगा तब तक वो लोग वोट नहीं करेंगे। साहनी जी मोदी सरकार को तानाशाह कह रहे हैं और आप साहनी होकर के मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए कि हम ऐसा ही को बोलते होंगे कि गंगा जल लेके अपना घूमते होंगे, लेकिन साहनी वोट तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। सानी वोट नहीं कर, नहीं पकड़ पाए। तो यहाँ पर कौन सी जाति की आबादी? यहाँ पर है मल्ला का है, मुसहर का है, कुछ धोबी है, अजी तेली है, कुछ मुसलमान भी है। तो ये समाज ज्यादातर किसको पसंद कर? मोदी जी को पसंद करता। अच्छा जी, उसकी वजह क्या है? राम मंदिर मुद्दा है यहाँ? हाँ, राम मंदिर मुद्दा है और सब बारे दुनिया काम सब किया, एम्स बनना चिन्ना ये सब ला के यहाँ रख दिए। तो ये जो शौचालय योजना, राशन योजना, ये तमाम तरह की बात मोदी जी करते हैं वो यहाँ लोगों को पहुँचा? हाँ, 5 किलो अनाज मिलता है राशन। अच्छा, ये बताइए, विरोधी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान में परिवर्तन ला देंगे, चेंज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाए थे उसको ख़त्म कर देंगे, ये लालू प्रसाद जी कहते हैं, आप लोग उन पर भरोसा करते हैं? हम लोग नहीं भरोसा करते। इससे पहले 70 साल कांग्रेस चलाया राज, कहाँ क्या कर लिया। बिशनपुर से लहरिया सराय जाने में 3 घंटा लगता था, आज उसी नीतीश की कृपा है जो
15 मिनट में लहरियासराय पहुंचा जाता है। तो वो लोग तो अपना विरोधी है, विरोधी अपना कुछ बोल रहा है तो उससे क्या लेना है, लेकिन यहाँ फैक्ट मोदी है। मोदी है क्या, नीतीश भी फैक्टर है, नीतीश जी से भी खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रंजन कुमार सहनी हुआ। तो सहनी जी, क्या मुद्दा है, आप क्या करते हैं पहले ये बता। हम तो एक स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट जी? और हम पढ़ाई करते हैं। जी जी, क्या चीज की पढ़ाई करते हैं? बीएससी मेरा फाइनल हो चुका है। वोट दिए हैं अभी तक? कितना बार दे दिए हैं? कितना बार दिए वोट? 4-5 मरतबा तो दे ही दिया हूँ। जी जी बिल्कुल। आपके नजर में क्या मुद्दा है? हम लोग तो परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, आप परिवर्तन? जी जी। तो आप किनको नेता मान रहे हैं, सहनी जी को, मुकेश सहनी जी? देखिए, हमारे नजर में जो काम करेगा वो उसको हम अच्छा नेता मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे मुकेश सहनी जी है, हम उनके साथ है। अभी हमारे समाज के हक अधिकार के लिए और वो सहनी परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरीका से, तो हम लोग उनको साथ देने में सक्षम है और पूरा सहनी समाज यहाँ का है। तो ये बताइए, मुकेश सहनी जी भी तो गए थे भाजपा के साथ दिल्ली में बैठे कि गठबंधन हो जाए, टिकट मिल जाए, मोदी जी उनको भाव नहीं दिए तो फिर इधर आ गए। अरे आपको जी जी एकदम मालूम है। पहले नंबर तो ये बोलना चाहता हूँ मोदी जी को कि उन्होंने हमारे मलाह समाज से, मुकेश सहनी से खास तौर पर इतना डर हो गया कि उनको YZ+ सेक्रेटरी जो था उनको छीन लिया गया और हमारे सहनी समाज को गुमराह करके बार बार वोट लेता था, लेकिन इस बार नहीं चलने वाला है। अच्छा, इस बार नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। सर हम ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, आप ड्राइवर हैं जी? क्या नाम हुआ? मनोज कुमार पासवान। अच्छा, मनोज कुमार पासवान जी। तो आप क्या जाति पर वोट करिएगा या आपके नज़र में यहाँ मुद्दा है? नहीं सर, मुद्दा है। मुद्दा है जी? क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है सर, 2019 में कोरोना महामारी में नरेंद्र मोदी जी हम लोग को बहुत हेल्प किए। अच्छा, जो भी अनाज का उपाय था बेचारा हम लोगों को किए, छोटे से लेके बड़े तक आज जीवित हैं, तो उन्हीं का दिल है, नरेंद्र मोदी जी को दिल है कि आज जीवित है, नहीं तो नहीं बचता लोग। तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा पसंद हैं या चिराग पासवान की वजह से आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद? नहीं सर, हम बीजेपी हैं। अच्छा, आप बीजेपी? हम बीजेपी को सर कार्यकर्ता भी थे। अच्छा, लेकिन अभी चिराग जी गए हैं उनमें तो हमको काट करके LJP में रख दिए, तो LJP को सर हम हनुमान नगर पर के उपाध्यक्ष हैं। तो आप LJP से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको मोदी जी पसंद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सर मैं सुनील कुमार शाह हूँ जी। मैं सुनील कुमार शाह। अच्छा, आप शाह जी? जी जी, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। क्या चीज़ का प्रैक्टिस? मेडिसिन, माने ह्यूमन का। अच्छा, मेडिसिन जी का प्रैक्टिस? जी जी। तो आप क्या मतलब MBBS डॉक्टर हैं या ऐसे झोला छाप हैं? जी जी, झोला छाप। तो झोला छाप प्रैक्टिस चलता है? जी जी, अच्छे से मज़े से चलता है। तो उसमें पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपके नज़र में क्या मुद्दा है यहाँ? मेरे नज़र में कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मोदी जी हैं। सिर्फ मोदी जी? जी जी। तो ये शाह क्या पिछड़े समाज से आते हैं या अति पिछड़े से? अति पिछड़े से आ रहे हैं। अच्छा जी जी। तो आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी काम अच्छे करते हैं इसलिए पसंद है वो। अच्छा जी, बहुत अच्छे काम करते हैं। आप वोट मोदी जी के नाम पे दीजिएगा या नीतीश जी पसंद है इसलिए भी? मोदी जी के नाम पर देंगे, कोई कैंडिडेट के नाम पर हम लोग नहीं देंगे। मोदी जी का कुछ काम बता दीजिए। बहुत काम है, कौन काम नहीं किए, कोरोना में सारे काम किए और अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं, गरीब के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो पसंद तो है ही और लोगों को भी पसंद है। मेरा ही पसंद नहीं है और लोगों को भी पसंद है। और मैं तो 2-4 प्रखंड में जाता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, लोग भी बता रहे हैं कि चुपचाप मोदी जी। आप झोला छाप डॉक्टर हैं, आप इलाज करने जाते हुईगा तो लोग क्या कहते हैं कि मोदी जी के काम से प्रसन्न है? जी पसंद है, कुछ लोगों को तो होबे करता है, जो विरोध में है वो तो कुछ बोलबे करेंगे, लेकिन और लोग बताते हैं कि बहुत काम से खुश हैं और अच्छे अच्छे खासे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी कहे कि बहुत सारे लोग को हम प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने का कार्ड दिए हम, क्या लोगों को मिला है? जी काम भी हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है? खूब फायदा हो रहा है, 100-150 लोगों को तो मैंने आँख बनवाया है इस अस्पताल में।
अच्छा जी, तो इससे लोगों को फायदा हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनका इलाज हो रहा है। हाँ, तो सिर्फ गरीब को ही फायदा हो रहा है, अमीर तो फायदा ले ही लिया, अभी अब गरीब को हो रहा है। अच्छा, तो ये गरीब को फायदा हो रहा है, इसका क्रेडिट आप मोदी जी को देते हैं? एकदम गारंटी है सर। तो देखिए, ये पांच लोग बैठे हैं और खूबसूरती देखिए, लोकतंत्र का साथ बैठे हुए हैं पर वैचारिक रूप से अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कोई मोदी जी के समर्थक हैं तो कोई मोदी जी के घनघोर विरोधी हैं, कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं देना चाहिए। वजह जो भी हो, लेकिन सब साथ बैठे हुए हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जो कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में नज़र भी आ रही है। आप चाय की दुकान में इन लोगों को साथ में बैठते हुए देखेंगे, लेकिन पॉलिटिकली ये लोग इतने जागरूक हैं कि समझते हैं किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है और किस वजह से नहीं करना है। और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अनुराग कुमार। अनुराग जी, क्या करते हैं आप? हम धंधा करते हैं अपना। क्या धंधा? मतलब बेचते हैं, दूध बेचते हैं बाजार में। बाजार में बेचते जी। यहाँ क्या मुद्दा है? यहाँ तो सब लोग मोदी जी से बहुत खुश है। अच्छा, मोदी जी से खुश है? जी जी। तो लोग क्या जाति के आधार पर खुश है या सब जाति में लोग मोदी से खुश है? सब जाति में। तो यहाँ चुनाव में मुद्दा क्या? मोदी जी है, मोदी ही मोदी है, सब घर में यही बात है। अच्छा जी सर। वजह क्या? वजह सबको खुश है, महिला जन सब खुश है, गांव घर में गली गली नाला सड़क बन गया है मोदी के अथी से। ये बताइए, तेजस्वी यादव के बारे में लोग कहते हैं इतनी नौकरी दिए, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए, क्या इस पर लोगों का भरोसा नहीं है? जी नहीं भरोसा है इस पर। क्यों? अभी तो पता नहीं हमको है कि हमने भरोसा है। अच्छा, ये पता नहीं है आपको। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अंदर हम दुकान में घुसते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम, आप क्या करते हैं? साइकिल का रिपेयरिंग करते हैं। साइकिल का रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ क्या मुद्दा है? मुद्दा तो देख रहे हैं, कोई कहते हैं लमटेन में दे रहे हैं, कोई कहते हैं कि कांग्रेस में दे रहे हैं, कांग्रेस में दे रहे हैं, कोई कहते हैं कि भाजपा में दे रहे हैं। तो आपके नज़र में कौन बढ़िया नेता है? वो तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, ऊपर वाले के हाथ में। जी, मतलब आप मुद्दा के आधार पर वोट नहीं करिएगा? अच्छा, जो पसंद जिसको करिएगा उसको वोट करिएगा। आप अपना शुभ नाम बताइए। हमार कपिलेश्वर राय। कपिलेश्वर राय जी हुए। जी जी। तो चाचा, आपके नज़र में क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा अब हमारा बूढ़ आदमी के कोई मुद्दा है। नेता कौन पसंद है? पसंद है अब जोनका सब जाने हमारा कौन होता। तो आपको लाभ मिलता है योजना का? 400 रुपया तो मिले हो। वृद्धा पेंशन योजना? हाँ हाँ। ये इलाज वाला कार्ड मिला? कौन? जो प्रधानमंत्री इलाज वाला कार्ड है जिससे इलाज होता है? नहीं, हमरा के वो सब नहीं है। वो नहीं मिला? आइए, शौचालय योजना मिला आपको? शौचालय बना? कुछ नहीं। कुछ अब फ्री राशन मिलता है? हाँ, वो 5 किलो मिला ही। अच्छा, वो 5 किलो मिलता है? हाँ। तो ये किसकी वजह से मिलता है? नीतीश बाबू की वजह से मिलता है। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, उस पर भरोसा है आपको? अरे तो मिलेगा तब ना भरोसा, नहीं मिला तो भरोसा के ना। अच्छा, मिलते तब ना भरोसा। हाँ, अरे नहीं हाथ में अले तो भरोसा। तो नीतीश बाबू तो मोदी जी के साथ हैं? आप जेकरा साथ हो बाबू जनता, हम तो जन्मो नहीं। अच्छा चलिए, तो हाँ बताइए, आप क्या करते हैं? लेबर काम करते हैं। लेबर। लेबर। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी। जी। तो सद्दाम जी, क्या मुद्दा है यार? मुद्दा यहाँ है कि अगर 5 किलो राशन देते हैं मोदी जी, हाँ, तो महंगाई देख लीजिए। अभी उस टाइम में बोला 500 या 400 रुपए गैस मिलेगा, अभी 1200-1300 रुपए गैस है। अच्छा, एम्स चलाने की बात चली, दरभंगा में एम्स चलाने की बात हुई, सबने जमीन भी किया, ये भी किया, एम्स अभी तक आया नहीं। तो और ये साल जो रह गए वो तेजस्वी यादव जी, तो 13 महीने में 5000 आदमी को नौकरी दी नीतीश कुमार।
नौकरी दी। नहीं, तेजस्वी जी दिए या मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। हाँ तो दोनों तो मिल के दिए ना। हाँ, हाँ, मिल के। अब नीतीश बाबू तो इधर आ गए। इधर आ गए। हाँ, तो तेजस्वी जी का मालूम बोलना है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम नौकरी दे। तेजस्वी जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं। हाँ नहीं है। नहीं, नहीं। उनका पार्टी जीतेगा। हाँ। वो फिर बनेंगे तो देंगे नौकरी। देने का बात कर रहे अभी बोले गैस 500 रुपये देंगे। अभी जो बात हुआ है मोदी जी करते हैं भी है, वो भी अच्छे काम किए नहीं कि नहीं किए, वो भी अच्छे काम करते हैं, ये भी अच्छे काम करते हैं। तो हमको जिसको मुद्दा होगा हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं अच्छा दोनों काम करते हैं, कौन ज़्यादा अच्छा काम करते हैं? अभी जो अच्छा काम करते हैं मोदी तेजस्वी जी करते हैं। तो ठीक है। और ये आप लोग इससे भी नाराज हैं जो 3 तलाक ले आए और ये सारा मुद्दा है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? उसके लिए हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो नहीं, ये आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता? अच्छा अच्छा है। ये तो अच्छा है कि जुर्माना उर्माना होता है तो ये अच्छे है। मतलब 3 तलाक गलत था उसको खत्म किए, वो अच्छा किए? हाँ, वो अच्छा किए। अच्छा, अच्छा। और राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, उसको लेकर के विरोध है आपका? तो उसके लिए कुछ भी विरोध नहीं है सर। अच्छा, उसको लेकर के भी विरोध? हम विरोध नहीं है। अब जो हुआ वो अपना वो लोग किए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं? हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी खाते हैं। अच्छा, पर आप 3 तलाक के समर्थन में हैं, राम मंदिर के भी समर्थन में हैं, लेकिन आप तेजस्वी यादव को बढ़िया नेता मानते हैं? हाँ, उसको नेता मानते हैं। अच्छा, आपको भरोसा है वो ज़्यादा नौकरी देंगे, रोजगार देंगे? हाँ जी। चलिए, आपकी बात हमने सुन ली। अब आप अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं? हमारा नाम सीताराम साहू है। तो साहब जी, किसका जोर है यहाँ पर? मोदी जी के। मोदी जी का जी, जोर? हाँ। आप साह हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं है। क्या है कि आप अति पिछड़ा से हैं, अति पिछड़ा जाति का झुकाव मोदी जी के तरफ है, क्या सच बात है ये? सच है। हाँ? सच है। सच बात। हाँ। क्यों झुकाव है ज्यादा? वो काम करता है ज्यादा। क्या क्या काम किया? बहुत किया है, रोड बनाया, घर राशन दे रहा है, हर चीज दे रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, हम लोग ये सुनते हैं कि यादव समाज जब लालू जी सत्ता में आते हैं तो अति पिछड़ा परेशान हो जाता है, इसलिए यादव के खिलाफ सब लोग गोलबंदी करते हैं, क्या सच्चाई है? कोई बात नहीं, वो सब अपना अपना लिए करता है, जो हम लोग करेंगे वही होगा। अच्छा। हाँ जी, आप लोग जो करिएगा वही होगा, इसका क्या मतलब? आप जो हम देंगे। हाँ। लालू के नहीं तो हम नीतीश के देंगे, मोदी के। अच्छा जी, तो मोदी आपको ज्यादा पसंद है कि नीतीश पसंद है? मोदी पसंद है। अच्छा, मोदी पसंद जी। तो क्या राम मंदिर के वजह से पसंद है? नहीं, हर चीज वो राम मंदिर अपना जगह पर। हाँ। काम अपना जगह पर ही करता है बस। अच्छा, काम अपने जगह पर ही है करते हैं। हाँ। आपको राशन मिलता है फ्री? हाँ, मिलता है। शौचालय योजना का लाभ मिला? हाँ मिला है। और ये नल जल को लेकर के क्या कहिएगा? ठीक है, पानी दे रहा है, सबको पिला रहा है, बढ़िया। अच्छा, चल रहा है, पानी भी मिल रहा है। हाँ, चला गैस सिलेंडर? तो गैस सब जो है सो है। अच्छा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ है और मोदी जी बढ़िया है। हाँ, मोदी जी बढ़िया। तो ये सुन लीजिए। हाँ। अब जाति भी बड़ा फैक्टर है, देख लीजिए। कुछ सा लोगों से बात हुई, वो मोदी के सपोर्टर नजर आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, और यहाँ पर जाति के हिसाब से भी आप डिवीजन देख सकते हैं। बात करने पर ये जरूर कहते हैं कि मुद्दे के आधार पर हम वोट करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें कुछ मुस्लिम नौजवान से भी बात हुई, वो राम मंदिर के भी समर्थक हैं, 3 तलाक के भी समर्थक हैं, लेकिन नेता के तौर पर वो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए रोजगार अहम मुद्दा है। उनको लगता है कि तेजस्वी कुछ महीनों में कई लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, इसलिए अगर वो एक बार फिर से सत्ता में आते हैं तो रोजगार का अवसर और भी ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो तेजस्वी यादव को रोजगार की वजह से पसंद करने की बात कहते हैं। अब जो ये इलाका है, ये जो जगह है, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमलेश राम है। कमलेश राम जी, आप क्या करते हैं? हम ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल से जुड़े हुए काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल से संबंधित काम करते हैं। अच्छा, मेडिकल से संबंधित जी।
क्या माहौल है यहाँ पे, मुद्दा क्या है जिस वजह से लोग वोट करें? दरभंगा में देखिए, एक विकास की मुद्दा, रोजगार की मुद्दा और एम्स की मुद्दा है। और वर्तमान जो सांसद हैं, एम्स का 5 साल से ढोल पीटा कि मैं एम्स लाऊंगा, लेकिन उनसे आज तक शिलान्यास करना पार नहीं लगा। अच्छा, तो एम्स नहीं आया इसलिए आप नाराज हैं? हम नहीं नाराज हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति 5 साल से एम्स मुद्दा लेके चल रहा है, उनसे शिलान्यास ही नहीं हुआ, तो वैसा सांसद कौन काम का। तो आप मतलब सांसद से नाराज हैं, मोदी जी से खुश हैं या उनसे भी नाराज? उनका कार्यकाल कुछ ठीक भी है और कुछ कार्यकाल से असंतुष्ट भी है। अच्छा, जैसे अभी वर्तमान में रोजगार पर कोई बात ही नहीं करते हैं, यहाँ बहुत युवा पढ़ लिख करके भटक रहे हैं। केंद्र सरकार में पूर्व में जो वैकेंसी आ रही थी, इस सरकार में उसका आधा भी वैकेंसी नहीं आया केंद्र में, बाकी वैकेंसी गया कहाँ? अच्छा, तो रोजगार बेहतर कौन दे सकता है आपकी नज़र? रोजगार की बात करते हैं, वर्तमान में जो बिहार में जो अभी देखे, एक राज्य सरकार जब 1.5-2 लाख वैकेंसी दे सकती है, तो केंद्र सरकार यदि रोजगार की बात करते तो कम से कम 10 लाख रोजगार जरूर देते। उनको रोजगार से मतलब नहीं है। तो नहीं, ये 1.5-2 लाख जो रोजगार दिए, इसका क्रेडिट आप तेजस्वी जी को दीजिएगा या नीतीश जी को दीजिए? देखिए, गठबंधन में दोनों आदमी थे, किसी एक का क्रेडिट नहीं, दोनों आदमी का क्रेडिट है। हाँ। क्योंकि दोनों के सामंजस्य हुआ है। पर नीतीश जी तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, 7 निश्चय का ये प्रोग्राम था, अभी आगे हम और 5 लाख रोजगार देंगे अगले 1 साल में। नीतीश जी जितना कहते हैं, उनका पहले तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, आज इधर कल उधर। नहीं, पर वो कहते हैं बिहार की भलाई के लिए जिधर जाना होता है उधर हम जाते। 2005 में जब उनकी सरकार बनी, उनका दो ही काम बेहतर है, एक सड़क और बिजली, तीसरा कौन सा काम बेहतर है बताया जाए? तो उससे पहले और कौन सा काम बेहतर था आपकी नज़र में? उससे पहले तो हम नाबालिग थे। उसकी कहानी सुनते हैं कि उससे पहले? उससे कहानी सुनने की बात करते हैं तो उससे पहले जो है क्राइम भी था, और क्राइम ऐसा नहीं है कोई भी सरकार होगा क्राइम घटेगा नहीं, क्राइम पहले भी था और अभी भी है। मतलब आप मानते हैं कि अभी भी क्राइम है, स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई? तो अब ये भी बता दीजिए कि केंद्र में परिवर्तन आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं या कोई और प्रधानमंत्री चाहते हैं? मेरे चाहने से नहीं ना होगा। नहीं, अरे आपके एक आपका वोट का अधिकार है, आप एक वोट दीजिएगा उससे परिवर्तन होगा, आप ये बता दीजिए आप किसको? देखिए, हम अपना किसको चाहेंगे नहीं चाहिए सार्वजनिक करने की चीज़ नहीं है, नहीं। ये मत गोपनीय चीज़ है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं खुद उसका चयन। पर आप स्थानीय सांसद बदले ये आप चाहते हैं, ये तो आपने कहा ना। ये सांसद का जो चेहरा है, 5 साल में इनका कोई कार्यकाल इस क्षेत्र में नहीं है, बेहतर कहिएगा तो जो विधायक इस क्षेत्र का जो वर्तमान में है, जो उनका कार्यकाल है उसका 50% भी रहता तो समझते ये कामिल सांसद। तो विधायक यहाँ कौन सी पार्टी से? जी, NDA अलायंस जदयू से है। अच्छा, जदयू से हैं, उनको आप बेहतर मानते हैं लेकिन सांसद को बेहतर नहीं मानते? काम के मामला में सांसद से तो बेहतर जरूर है। नहीं, पर अभी तो चुनाव सांसद का है ना, तो आपको तो दो सांसद में, दो प्रत्याशी में एक को चुनना होगा, या जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें एक को चुनना होगा, तो बेहतर सांसद के रूप में आप गोपाल जी ठाकुर को नहीं देख रहे? इस चीज़ की हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, बता रहे हैं ना, क्योंकि हमको क्या करना है नहीं करना ये गोपनीय चीज़ है, वो हम खुद समझेंगे हमको बेहतर क्या लगेगा नहीं लगेगा, ये सार्वजनिक करने की चीज़ नहीं है। चलिए, आप ये बोल दिए प्रधानमंत्री भी का भी काम पसंद नहीं है, लेकिन को बता दिए ना कि कुछ काम सही है कुछ गड़बड़ है। अब जैसे लोग कहते हैं किसान सम्मान निधि की बात, तो बहुत ऐसे भूमि वाले लोग हैं जो खुद खेती नहीं करते हैं, बटाईदार को देते हैं, मेहनत वो करते हैं, लेकिन सम्मान निधि किनको मिलता है? सरकार को इस पर भी पहल करनी चाहिए जो गरीब लोग किसी जमींदार का खेती करते हैं, मेहनत वो करते हैं, कुछ उनको भी लाभ मिलना चाहिए। चलिए, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, यही हम लोग कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजीव मिश्रा। तो मिश्रा जी, क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा है मोदी। मोदी, तो उस नाम पे स्थानीय उम्मीदवार को लोग नहीं देख रहे हैं आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी का 303 MP है, जिसमें 5 ऐसा MP है जो सबसे ज़्यादा काम किया है, उसमें ये गोपाल जी ठाकुर आते हैं। अच्छा। और आपको बता दूं, बिहार का
एम्स के बारे में लोग चर्चा करता है, वो कुछ मामला है जो अब क्लियर हो जाएगा, अब सरकार में हम लोग आए हैं तो क्लियर होगा। और एम्स बिहार में दूसरा बनाया कोई तो गोपाल जी ठाकुर बनाया। आईटी पार्क बिहार का दूसरा आईटी पार्क दरभंगा में बना, और भी जिला है, कहीं और भी बन सकता था। तारामंडल बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बना, और अभी दरभंगा स्टेशन 350 करोड़ रुपया, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन, लोग समझ नहीं पा रहा है ये एमपी का क्या काम है। तो ये समझाना भी तो एमपी साहब का ही काम है ना, अगर लोग को समझाने में विफल रहते हैं कि उनका क्या काम है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, तो ये भी तो एमपी की ही असफलता है ना। देखिए, कोई भी काम है उसको जो विरोधी है वो तो अपना विरोध करेगा ही। अब लोग को स्थानीय समस्या है, लोग 6 चरण में चुनाव करता है, वार्ड का सदस्य चुनता है, वार्ड के काम करने के लिए पंचायत समिति होता है, जो किसी पंचायत में दो है किसी में एक है, वो एक उसका अलग दायरा होता है, जिला परिषद होता है, मुखिया जी हैं, उसके बाद नगर निगम में मेयर वगैरह होते हैं और विधायक हैं, तब एमपी है। एमपी किस लिए हम चुनते हैं? दिल्ली में जो कानून बने उसके लिए हम एमपी चुनते हैं। आपका कहना है कि छोटी समस्याओं के लिए एमपी को ब्लेम नहीं देना चाहिए? एकदम, जो केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पर एम्स तो बड़ा मुद्दा है ना, एम्स बना नहीं और एम्स का क्रेडिट लेने लगी बीजेपी, ये कहां तक सही है? एम्स गोपाल जी के प्रयास से ही आया, गोपाल जी ठाकुर चाह रहे थे एम्स का, यहाँ इंजीनियर आ गया, उसका डायरेक्टर बहाल है, सब चीज़ हो गया, राज्य सरकार भूमि भी डीएमसीएच में दे दिए थे, बाद में कहे कि जो चलिए अब ये ज़मीन नहीं देंगे, अब वहाँ थलवाड़ा पेपर मिल वाला ज़मीन देंगे। चलिए, ये आपने बता दिया, फिर अब सरकार दोनों आ गई है। हाँ, इसमें सरकार से संबंध विच्छेद होने के कारण ये अटक गया था, अब पट्टी पर आ जाएगा। ये बताइए, यहाँ जाति मुद्दा है क्या? लोग जाति आधारित वोट करते हैं, ये जाति भी बड़ा फैक्टर है कि जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं? ये लड़ाई जो है, अभी का जो लड़ाई है, जिस समय सूर और असुर लड़ते थे, जिस समय कौरव और कंस का लड़ाई हुआ था, जिस समय राम और रावण का लड़ाई हुआ था, दो विचारधारा का लड़ाई है, दो विचारधारा है, एक विचारधारा को चुनना होगा, एक तरफ कौन है और एक तरफ कौन है, जनता सब देख रही है। आने वाला समय ज़्यादा नहीं है, 13 तारीख को वोट होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। चलिए, वो तो पता है, आप क्या करते हैं? हाँ, तो क्या गाड़ी में, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सब गाड़ी चलाते हैं, स्कॉर्पियो। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। इस बार वोट दीजिएगा? हम देंगे। कौन पसंद है आप? देंगे जी, जहाँ मन होगा तहाँ देंगे। यहाँ तो मुद्दा क्या नजर आता है? मुद्दा हम नहीं कर सकते। अच्छा, मुद्दा आपको नहीं पता है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम कुमार झा है। अच्छा जाजी, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है? विकास किसने किया है? विकास मोदी जी ने किया है। अच्छा, मोदी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी के आने के बाद। पर कई लोग यहाँ पर नहीं जान रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया। अब ये तो इस पर क्या कहा जा सकता है? मैंने कनेक्टिविटी के लिए 4 लाइन की रोड बनी, 6 लाइन की रोड बन रही है। अभी आमस से दरभंगा मोदी जी ने 6 लाइन का सड़क दिया है, लहरिया सराय से। ये बताइए, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए 3-4-5 योजना बहुत अहम है।
चाहे राशन योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे आवास योजना हो, ये बताइए ये लोगों को मिला है? बिल्कुल मिला है। कौन कह सकता है कि ये जो अभी तो छोड़िए कोरोना काल से और कोरोना का वैक्सीन जो पूरे विश्व में त्राही त्राही हो रहा था, उस दिन भी भारत में हर को व्यक्ति को वैक्सीन लगा फ्री में, फ्री में अनाज। अब 5 लाख 5 बरस और एक्सटेंशन हो गया, 2029 तक फ्री में राशन गरीब को मिलेगा। पर यहाँ तो स्थानीय रूप से एम्स बड़ा मुद्दा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी झूठ मूठ का प्रचार करती रही है, एम्स बना नहीं अभी तक। अब एम्स का बना नहीं, उसमें थोड़ा सा डीएमसीएच में जमीन मुहैया कराया गया, जमीन का समतलीकरण हुआ, जमीन मैंने हुआ कि भाई एम्स यहाँ बनेगा और जो एक्वायर किए हुए जमीन उसको खाली कराया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश उस समय बीजेपी से मुख्यमंत्री जी अलग हो गए थे और उसमें दूसरे लोग घुस गए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हाथ में था तेजस्वी जी के, वो लगे भटकाने। लेकिन बाद में फिर सब लोग अभी एक साथ मिलके एम्स दरभंगा में बनना ही है, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकता है और उसका क्रेडिट निश्चित रूप से यहाँ के सांसद जो हैं गोपाल जी। ये रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, कोई लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छा, नौकरी नहीं मिल रहा है, तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दिया। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, सरकार किसकी होती है? चलिए आपकी बात समझ गया। तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि दरभंगा के भीतर एम्स बड़ा मुद्दा है और एम्स को लेकर के जब जेडीयू और बीजेपी अलग हुई थी तो दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चला था। यहाँ के एक बड़े नेता संजय झा भी हैं, संजय झा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ आ गई है, इसलिए जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के जल्द से जल्द एम्स का निर्माण करेंगे। लेकिन जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है कि अभी तक एम्स के लिए कुछ खास नहीं किया गया, प्रचार बहुत किया गया पर एम्स के लिए कुछ खास नहीं किया गया। फिलहाल जो भी हो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 13 तारीख को होने वाला मतदान एक बात की ओर इशारा साफ करता है कि ज़्यादातर लोग या तो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं या उनके विरोध में ही वोट करना चाहते हैं। मतलब वोट करना है तो मोदी के लिए वोट करना है और नहीं करना है तो उनके विरोध में वोट करना है। कुछ क्रेडिट स्थानीय उम्मीदवार को भी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत साफ नज़र आ रही है कि योजना का लाभ जिस भी वजह से मिला है उसके लिए क्रेडिट मोदी को लोग दे रहे हैं और नाराज़गी भी है तो उनके लिए है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो पिछले 17 महीनों में जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो रोजगार को लेकर के कुछ युवा कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बेहतर तरीके से रोजगार प्रदान किया। अब सवाल ये उठता है कि ये युवा जो बोल रहे हैं वो अपना वोट किस ओर देंगे, ये तो उनका अपना राइट है, लेकिन ये 4 जून के परिणाम में परिलक्षित हो जाएगा कि आखिरकार जिस मुद्दे की बात ये लोग कर रहे हैं उस मुद्दे के आधार पर इन्होंने वोट किसको दिया, स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में किसको चुना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी तारीफ कर रहे हैं क्या उनके पक्ष में इन्होंने मतदान किया या नहीं किया। इस समय दरभंगा से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ TV9 के लिए पंकज कुमार।